भजन करो, भक्ति करो, शिव तत्व की स्मरण, शंकर भगवान का नाम जाप, शंकर का स्मरण। अब जब शिव तत्व की प्राप्ति होती है, जब शंकर के नाम की प्राप्ति होती है, तो जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। बृहस्पति भगवान ने, बृहस्पति देव ने अपनी माता स्मृति से पूछा, माँ मुझे ये बताओ, आप कह रही हो शंकर भगवान पर जल चढ़ाना, शिव की आराधना करना, बृहस्पति तेरा पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा। माँ मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बृहस्पति ने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या? माँ कह रही है, बोलो क्या पूछना? मुझे ये पूछना है माँ, आपने कैसे कह दिया कि शिव कृपा कर देंगे और मेरा वर्चस्व बढ़ जाएगा, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मेरा नाम बढ़ जाएगा, आपने कैसे कह दिया? कैसे? तब स्मृति ने कहा, माता सती की बहन स्मृति कहती है, सुनो बृहस्पति, जब मेरी बहन सती के प्राण छूटे, मेरी बहन सती के जब प्राण छूटे, अग्नि में मेरी बहन ने जब अपने प्राणों को त्याग दिया, भगवान शिव को मालूम पड़ा, उन्होंने अपनी जटा से केश थोड़ छेप जो पटका वीरभद्र उत्पन्न कर दिया और पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दिया। अपनी पत्नी के लिए जो पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर सकता, दक्ष प्रजापति मेरे पिता का सिर कट गया था, अग्नि में गिर गया था, अपनी पत्नी के लिए अपने ससुर का सिर कटवा सकता है, सिर कटकर अग्नि में गिर गया, उसके बाद सबने स्तुति करी भगवान शंकर की कि ये यजमान जीवित होना चाहिए, यज्ञ का यजमान जीवित हो। तब यज्ञ के यजमान को जीवित करने के लिए मेरे पिता दक्ष प्रजापति के सिर पर बकरे का मुख लगा सकता है और मेरे पिता को वापिस जीवित कर सकता है, जो मार भी सकता है, जीवित भी कर सकता है, अपनी पत्नी के लिए पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर सकता है। शंकर भगवान जिसको चाहते हैं और जो शंकर भगवान को चाहता है, स्मृति कर रही है, शंकर भगवान फिर उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। जो शिव को चाहता है और शिव जिसको चाहते हैं, भगवान शिव उसके लिए सब कर दे। सती शिव को चाहती थी, शंकर सती को चाहते थे, इसलिए सती के लिए नष्ट भी कर दिया, शीश भी काट दिया, बकरे का मुख भी लगा दिया। जिसको माखन निकालना आता है वही माखन निकाल सकता है, जिसको कुएं से पानी भरना आता है वही पानी भर सकता, जिसको हंडे पर हंडा, हंडे पर हंडा, मटके पर मटका रखकर चलना आता है वही चल सकता, सिखाएगा भी वही, करेगा भी वही। एक सास ने बहू से कहा, बहू जाओ माँ मटकी रखी है बिलो लो। बहू ने माखन बिलोने के लिए बैठी, उसमें माखन आ गया, नहीं नहीं बहू थी, उसमें जैसे ही माखन आया बहू चिल्ला कर दौड़ी, सासू जी, मम्मी जी, सासू जी। सासू जी बोली, हाँ बेटा माखन आ गया। सास को गुस्सा आया, सिर पे जूड़ा बांध के एक थप्पड़ बहू में दिया, कल की आई और ससुर का नाम लेती, अच्छा लगता तेरे को? अब बहू को मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन है, उसका नहीं मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन है, नहीं तो क्यों लेती मैं। 2 महीने के बाद सास ने फिर कहा, जा वो मटकी रखिए बिलो ले। बिलोने के लिए फिर बैठी, फिर माखन आ गया। अब क्या कहे बिचारी, तो चिल्ला के दौड़ी, मम्मी, सासू जी, माता जी, हाँ बेटा ससुर हंडी में आ गए। अब माखन तो बोल नहीं सकती थी क्योंकि माखन ससुरे का नाम था, तो कहा ससुरा हंडी के अंदर। अब बिलो, जिसको बिलोना आता है वो बिलो सकता है, जिसको जल भरना आता है वो जल भर सकता है। रास्ता
उसी से पूछना जो रास्ते से गया हुआ। कई लोग केले वाले से रास्ता पूछ लेते हैं, क्यों साहब ये जलगांव का रास्ता यही है क्या? हमारे साथ भी ये कई कई बार हुआ। हम ड्राइवर से कहते हैं कई बार कि देखो तो अच्छे आदमी से पूछना कि जो जाकर आया हुआ हो, पहले कहीं का गया हो जलगांव तो उससे पूछो कि जलगांव जाने के लिए कौन सा रास्ता अच्छा है, भुसावल होकर जाएं कि इंदौर होकर जाएं कि इधर खंडवा होकर जाएं, जो गया हुआ उससे पूछना। अब मालूम पड़े कभी कभी लोग ऐसे व्यक्ति से पूछ लेते हैं जो कभी गया ही नहीं, हाँ तुम तो आराम से यहाँ से इधर से जाओ भुसावल, भुसावल से जाके जलगांव पहुँच जाओ। और कोई व्यक्ति अगर गया हुआ हो तो वो कहेगा नहीं साहब इंदौर जाओ, इंदौर से तुम जलगांव जाओ, फोर व्हीलर लाइन, फोर व्हीलर गाड़ियाँ आराम से जा सकती है, फोर लाइन है, आराम से तुम जाना, टाइम पर पहुँच जाओगे, इधर से जाओगे तो रोड पे काम हो रहा है, इधर से जाओगे तो आराम से पहुँच जाओगे। जो गया ही नहीं, कई बार हम ठेले वाले से केले वाले से पूछ लेते क्यों साहब कथा में जा रहे हैं चले जाएं, इतने में ठेले वाले ने कह दिया बहुत भीड़ है चले ही मत जाना बहुत भीड़। पांव रखने की जगह नहीं है, गाड़ी 2 किलोमीटर दूर रोक देंगे, चले ही मत जा। और अगर कोई कथा में से जा रहा हो और उससे पूछ लो क्यों साहब हमें कथा में जाना है, जाओ जाओ बहुत जोरदार, एक बार तो पंडाल में जाओ प्रणाम कर कर आओ, जिंदगी सार्थक हो जाएगी, जाओ जाओ जाओ। अब पूछो भी तो किससे पूछो, ऐसे व्यक्ति एरे गेरे नथु गेरे से पूछो ही क्यों। अब किसको, आज के जमाने में लोग बाग समझते कुछ नहीं है, बस उनका तो मन होता है जो लिख देते हैं। एक एक फेसबुक पे एक लड़के ने लिख दिया, फेसबुक पे मैसेज करा, मेरे सारे प्रिय मित्रों का धन्यवाद, आप सबके सहयोग से मेरे घर लड़का हुआ है। अरे ऐसी क्या बधाई, अरे ये लिखना था मेरे मित्रों का धन्यवाद, आप लोगों ने भगवान से प्रार्थना करी और शिव की कृपा हुई तो मेरे घर में लड़का हुआ है। आपको कहना, अब तुम लिख क्या रहे हो फेसबुक पे, फेसबुक पे लिख रहा है मेरे प्रिय मित्रों का धन्यवाद, आप सबके सहयोग से मेरे घर लड़का हुआ है। बताओ क्या लिखना था, हम क्या कहना चाह, उसको समझना। पूछो उससे जो सही रास्ता बता दे, जो रास्ता जानता ही नहीं है, केवल ठेला लेकर खड़ा है केले का और तुम उससे रास्ता पूछ रहे हो कि साहब मुझे जाना है। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे से पूछते हैं क्यों साहब शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, किसी से मत पूछो कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, किसी से मत पूछो। तुम्हारे पास में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण हो उसको निकालो, उसकी विद्येश्वर संहिता निकालो, पढ़ो, पढ़ोगे मालूम पड़ जाएगा कि सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोला कि जल पीने से व्यक्ति के 3 पाप समाप्त हो जाते हैं, कई पाप समाप्त हो जाते हैं। पूछ भी रहे हो तो किससे पूछ रहे हो, जिससे नहीं पूछना चाहिए पूछ किससे। हम किससे पूछें, किससे पूछा जाए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। बृहस्पति बाबा ने स्मृति माता से कहा, मां आप कह रही हो कि शंकर की प्राप्ति होगी, शिव का भजन करने का क्यों कह रही हो। क्योंकि शंकर का इसलिए कह रही हूं कि शंकर अपनी पत्नी के लिए सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, अपने ससुर को मार सकते हैं तो जीवित भी कर सकते हैं, तो मेरा विश्वास कहता है कि शंकर का जो भक्त होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, उसके लिए शंकर सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं शिव, सब कुछ, सब कुछ। देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं।
साधारण नहीं। इसीलिए मुझे तेरा ही सहारा है मेरे कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों ना सुने तू मेरी पुकार कब से खड़े हैं झोली पसार ना सुने तू मेरी पुकार कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों ना सुने तू मेरी पुकार कब से खड़े झोली पसार प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर मेरी पुकार मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा आ जाए भोले बाबा